या फिर मार्केट में मूव आएगा या नहीं आएगा। सिंपल है, इसका मोटिव ये है। मॉर्निंग सेशन में अगर 50% से ज्यादा वोलेटिलिटी अगर मार्केट में आ चुकी है, 50% से ज्यादा वोलेटिलिटी अगर आपकी आ चुकी है, तो आपका एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा। अभी डे ट्रेडिंग के ऊपर वोलेटिलिटी को लेकर के हम कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि मार्केट मॉर्निंग के जरा 9:15 बजे से लेकर 11-12 बजे तक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर या तो ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा तो इवनिंग सेशन फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा होता है ना मार्केट में, कि मार्केट अगर चलता है डेली तो आपका मॉर्निंग में मार्केट ऊपर खुला, नीचे चला गया, सेकंड हाफ में ऊपर चला गया, एंड थर्ड में आपका फिर वापस यही नीचे आ गया, बीच में कहीं क्लोज हो गया। ऐसा मार्केट चलता है। ये वोलेटिलिटी से लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली वोलेटिलिटी को हम कैसे हैंडल करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने वोलेटिलिटी से रिलेटेड काफी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर, अगर सर्च करेंगे तो। बट ये थोड़ा सा यूनिक मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 9th से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। बताइए, जाना जरूरी है या नहीं? यस सर, तो यस सर, आपको सबसे पहले एक वोलेटिलिटी का बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी हम वोलेटिलिटी को कैसे जाने, ठीक है? तो आप डेली वोलेटिलिटी जब किसी भी स्क्रिप्ट के देखोगे, तो आपको क्या करना है, डेली कैंडल पे चले जाना है, ठीक है? आप देखिए कि इसमें आपको तीन तरीके की कैंडल दिखेंगी। क्या दिखेंगी? एक सबसे छोटी कैंडल दिखेंगी, एक सबसे बड़ी कैंडल दिखेगी, और एक आपको एक मीडियम कैंडल दिखेगी। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो ऑन एवरेज मीन्स 100% नहीं, ऑन एवरेज हमें उतना ही चाहिए। ऑन एवरेज जो भी एक कैंडल होती है, ठीक है, जो आपकी मीडियम रेंज कैंडल होती है, वो आपकी ऑन एवरेज एक डेली वोलेटिलिटी होती है। अंडरस्टैंड इतना, ठीक है? अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। कहने का मतलब आपकी, जैसे ये प्रीवियसली कैंडल क्लोज हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं पे सब लोग फंसते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा मूव आएगा, और बाद में मार्केट में मूव आता नहीं है, और मार्केट नॉर्मल रेंज में क्लोज हो जाता है। तो आपका ये कैंडल की एक वोलेटिलिटी कितनी है, अगर आप देखोगे तो इसको एक मार्क करते हैं, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है एंड इसका लोएस्ट पॉइंट ये है। तो ऑन एवरेज एक मीडियम कैंडल है ना, तो इसकी रेंज कितना है, 19,798 से लेकर नीचे की साइड अगर देखोगे 678, कितने पॉइंट की है, 19,600 आपका कितना है, एक मिनट में देखता हूँ, 19,650 मान के चलो, एंड हाई साइड आप मान के चलो 19,800, और अराउंड कितने निफ्टी की डेली वोलेटिलिटी ऑन एवरेज कितनी है, 150 सर, 150, ठीक है? तो 150 निफ्टी के हिसाब से 1% तो होता नहीं है, तो अराउंड 0.80 से लेकर के 1% के अराउंड एक अप्रोक्स वोलेटिलिटी है डेली की। समझ में आया? इतना इतना सभी को समझ में आता है। अब होता क्या है, आप हमेशा डेली वोलेटिलिटी जब भी दिन इंट्राडे ट्रेड करें तो हमेशा अंडरस्टैंड करना जरूरी है सेशन वाइज, ताकि हमें पता चले कि मॉर्निंग के अंदर कितनी वोलेटिलिटी आई, उसके बेसिस पे सेकंड में बची या नहीं बची, या फिर थर्ड में बची नहीं बची। तो सबसे पहला हमारा काम है मार्केट को तीन सेशंस में डिवाइड करना। कहने का मतलब, आप चाहे इक्विटी कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हो, आपका जितने टाइम फ्रेम मार्केट लाइव, जितने टाइम मार्केट लाइव चलता है, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया? कितने से? 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका इक्विटी मार्केट 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चलता है, तो 6 घंटे 15 मिनट चलता है, कितने चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 घंटे 15 मिनट। एंड 6 घंटे 15 मिनट को 60 मिनट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जितना भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 125 मिनट आता है। समझ में आया? ये सबको समझ में आया कि 125 मिनट का लॉजिक क्या है, कि मार्केट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें करेक्टली वोलेटिलिटी का पता लग सके, करेक्टली हम डिमांड एंड सप्लाई पता कर सके। ऐसे ही आप फोरेक्स में करते हो, 24 घंटे चलता है, तो आपका 8 आवर्स मीन्स आप 4 आवर की कैंडल भी यूज कर सकते हो, वो भी सेशंस में चलता है फोरेक्स। जो आपका एक एशियन सेशन होता है, एक आपका यूरोपियन सेशन होता है, एक आपका अमेरिकन सेशन होता है, क्लियर है? ऐसे ही आपका जो मार्केट है, इंडियन इक्विटी मार्केट है, वो आपको तीन सेशंस में चलता है,
तीन सेशंस मिस, हम इसको बोल देंगे जो आपका 125 मिनट की तीन कैनल्स, और 125 मिनट इसमें आ नहीं रहा क्योंकि सर सब्सक्रिप्शन अभी नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं 15 मिनट में कर देते हैं, ठीक है। तीन सेशंस में कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल तरीका बता रहा हूं, और वोलेटिलिटी को सेशन वाइज वोलेटिलिटी को मेजर करने का भी तरीका बता रहा हूं। आज मार्केट कहां खुला, यहां खुला 9:15, ठीक है। तो ये वाला दिन आप छोड़ देते हैं एक बार, तो आपको प्रीवियस डे पे मेजर करके दिखाता हूँ, फिर आपको अगले दिन का ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा, एंड मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम सेशन वाइज वोलेटिलिटी को कैसे देख सकते हैं, मार्केट कहां मूव करेगा या कहां मूव नहीं करेगा। आपको क्या करना है, यहां पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, फिबोनाची टाइम जोन, ठीक है। इस टाइम जोन को आप क्या करना है, पहली कैंडल पे रख देना है, एंड उसके बाद क्या करना है, लास्ट कैंडल पे रख देना है। ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा तीन पार्ट में, समझ में आया। तो ये आपका, ये जो होता है, ये आपका मॉर्निंग सेशन हो गया, इसके अंदर वोलेटिलिटी, उसके बाद लंच सेशन हो गया, फिर इवनिंग सेशन हो गया, और ये सारे सेशन एक दूसरे सेशन से कोरिलेट करते हैं, उससे पता चलता है कि अगले सेशन में मूवमेंट आएगा नहीं आएगा। और ये जो सारे सेशन जो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, ये प्रीवियस डे की कैंडल से भी कोरिलेट करते रहते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आया। अब आपको इतना इजीली आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो थोड़ा बहुत ही समझदार हो तो कर लेगा, हर किसी से नहीं हो पाएगा। तो खोलने दीजिए, ठीक है। अब मैं अप्लाई डिफॉल्ट करता हूं, ठीक है। अब जो भी अप्लाई करेगा ना इसे, आप किसी भी चार्ट पे इस तरीके से इसको अप्लाई करिए, तो आपको इतनी सारी लाइन आएंगी। इसका पर्पस कुछ और दूसरा है, लेकिन मैं आपको तीन पार्ट में डिवाइड करने के लिए टूल यूज करने का तरीका बता रहा हूं, आपके साथ ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है। आप जब अप्लाई करोगे तो आपके साथ ऐसा आएगा, तो आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। हमें तीन तक चाहिए, बाकी हटा दीजिए, तीन पार्ट में डिवाइड करना, जीरो चाहिए, वन चाहिए, टू चाहिए, थ्री चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं ना, बस इतना इतना ही आपको सिंप्लीफाइड करना, समझ में आया। अब वो हम अगले दिन में कैसे समझेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको प्रीवियस डे पे अप्लाई किया, आप 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करिए या 15 मिनट पे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 5-15 मिनट पे अप्लाई करना, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ओके, ठीक है। इस तरीके से आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं आपका, ये पहला जो है, हम इसको एबीसी भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर बहुत डेप्थ में मैंने एजुकेशन दी हुई है, इसमें पूरा वीक लगता है एक अच्छी एजुकेशन के लिए, लेकिन मैं आपको एक, क्योंकि आपकी एजुकेशन हो चुकी है, तो एक शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये एबीसी, एबी ये एक्सेलेटर ब्रेक प्लस नहीं है, ठीक है, ये मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन, इवनिंग सेशन है, समझ में आया, कहीं समझ बैठो उसको, ठीक है। ए बी सी, ए का मतलब आपका जो सेशन होगा, ये आपका मॉर्निंग सेशन है। आप हर किसी स्क्रिप्ट को ऐसे देखिए, तो आपको इंट्राडे की वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी, मॉर्निंग सेशन, ओके। अब ये सेकेंड जो है, ये आपका कौन सा है, लंच सेशन, और इस पर एक सेटअप भी बनता है बहुत बढ़िया, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इक्विटी में ट्रेड करें, वो स्ट्रेटेजी में अपलोड कर दूं, वो स्ट्रेटेजी है, उसके रूल्स फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा काम करती होगी। एंड आपका इवनिंग सेशन, क्लियर है, तीन पार्ट में मार्केट ऐसे चलता है। अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मॉर्निंग सेशन की जो वोलेटिलिटी है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई मॉर्निंग सेशन कब से कब तक रहता है, 9:15 बजे से लेकर ये जो कैंडल आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 9:15 बजे से ये कैंडल आएगी आपकी 11:15 में, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होगी, 11:25 पे, 11:30 पे, तो 5 मिनट पे आप लगाओगे तो 11:20, मीन्स आपका 9:15 से 11:15 के बीच में जो वोलेटिलिटी है, मीन्स मार्केट कितना मूव किया, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपका अगले लंच सेशन में, मीन्स आपका 11:15 से लेकर आपका ये कहां तक है, आपका ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक, आपका 11:15 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मार्केट क्या करने वाला है, एंड 11:15 से लेकर के 11:30 तक जो, सॉरी 11:15 से लेकर के 1:30 बजे तक जो बिहेवियर हुआ, वो आपका इवनिंग में क्या रहने वाला है, मीन्स इस बेसिस पे आपको पता लगेगा कि आपको मॉर्निंग सेशन के बाद लंच सेशन में कोई ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं होने वाला, कोई जैकपॉट ट्रेड मिलने वाला या नहीं मिलने वाला, या फिर मॉर्निंग एंड लंच सेशन के बाद डिसाइड होगा कि इवनिंग सेशन में कोई बड़ा ट्रेड मिलने वाला या नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब बिना वजह कोई होप में आप बैठे ना रहे, आपको
टिकली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पता चले कि मार्केट की वोलेटिलिटी है वो ब्रीच कर गई या अभी बची हुई है या फिर मार्केट में मूव आएगा या नहीं आएगा। सिंपल है, इसका मोटिव ये है, प्रीवियस डे को ध्यान में रखते हुए। इतना समझ में आता है? ये सिर्फ डे ट्रेड को लेकर के रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूं, ये आप हर किसी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। सेम जैसे आज का मैं अप्लाई करता हूं, आज क्या है 9:15 से लेकर के आपका 11:15 कैंडल पे आएगा अगर 15 मिनट का लगा रहे हो, और अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगा रहे हो 11:20 की कैंडल पे आएगा। एक कैंडल आगे पीछे हो जाए उसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना। ठीक, तो आपके तीनों सेशन हो गए, मॉर्निंग सेशन हो गया, लंच सेशन हो गया एंड इवनिंग सेशन हो गया। क्लियर है या नहीं है? अब मैं आपको रूल बताता हूं आपका। अब आपको क्या देखना, प्रीवियस डे की वोलेटिलिटी देखनी है। देख सकते हैं प्रीवियस डे की वोलेटिलिटी कितनी है, देखिए प्रीवियस डे का हाई ये है एंड प्रीवियस डे का लो ये। क्लियर है? अब आपकी अगर इसकी रेंज देखोगे, आपको सिंपल बिना किसी उलझन के सिंपल तरीका बता रहा हूं, इसकी वोलेटिलिटी इतनी है, इस लाइनों की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कितनी है? कितनी है? ठीक है, अब ये तो वोलेटिलिटी है। ठीक है, आप मॉर्निंग सेशन में देखिए, मॉर्निंग सेशन में अगर आप देखिए कि प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका मॉर्निंग सेशन में मार्केट मूव कर जाता है फिर पूरे दिन साइडवेज हो जाता है, या फिर मॉर्निंग में मूव नहीं करता और बाद में ब्रेकआउट कर जाता है, तो ये जानना जरूरी है कि आपका मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो प्रीवियस डे के कंपैरिजन में जो ये वोलेटिलिटी आई है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कितनी है, अगर आप यहां से देखोगे, बस अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाना आपको कितनी है, यहां तक है। आप इससे बिल्कुल एग्जैक्टली पता कर सकते हो, अगर इसको लगाओ आप फिबोनाची लगा के लगा सकते हो, मेरे ख्याल से जो वोलेटिलिटी है 70-75% आ चुकी है। कहने का मतलब पिछले दिन की जो मार्केट की रेंज थी उतना मूव मार्केट ने 11:15 से पहले पहले दे चुका है। समझ में आया? कहने का मतलब अगर मैं एक देसी भाषा में समझाऊं कि डेली अगर कोई एक रनिंग करता है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की या फिर 2 किलोमीटर करता है, उसकी कैपेसिटी उतनी है ना, उतनी है ऑन एवरेज। किसी किसी दिन अगर वो हो सकता है कि वो 2 किलोमीटर वाले 4 कर ली, लेकिन रोज अब ज्यादा अप डाउन नहीं होगा, मतलब एक एवरेज रहेगा। ऐसे मार्केट के अंदर एक जो वोलेटिलिटी होती है वो भी एक एवरेज वोलेटिलिटी होती है। जैसे हम कभी रनिंग करने गए और वहीं तैयार वैर होकर गए, या फिर वॉकिंग करने गए उधर से सीधे ऑफिस निकल गए, या फिर कहीं घूमने चले गए 2 दिन बाद घर आए, ऐसे निफ्टी बैंक निफ्टी भी होता ना, कुछ भी जो न्यूज की वजह से या फिर कुछ भी हो गया, ऐसा मिसहैपनिंग हो गया तो मार्केट गिर गया बढ़ गया, वो एक्सेप्शनल केसेस अलग है, बट एवरेज मार्केट कैसे चलता है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, ये इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूँ, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में अगर मार्केट की मॉर्निंग सेशन में 30-40% वोलेटिलिटी से कम रहती है, ध्यान दीजिए, अगर 30-40% से वोलेटिलिटी कम रहती है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, तो आपका उस दिन मार्केट में एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा, सेकंड या थर्ड आपने। क्लियर है? 30-40% से जितना कम हो, मीन्स ये वोलेटिलिटी इतनी आई, अगर मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी ही रहती, मतलब मॉर्निंग में मूव ही नहीं करता, जो कि कम चांसेस होते हैं, तो मार्केट के अंदर सेकंड हाफ के अंदर बड़ा मूव देखने को मिले। अगर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में 50% से अबो, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में मॉर्निंग सेशन में अगर 50% से ज्यादा वोलेटिलिटी अगर मार्केट में आ चुकी है, 50% से ज्यादा वोलेटिलिटी अगर आपकी आ चुकी है, तो आपका एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा। वोलेटाइल मीन्स ट्रेंडिंग नहीं, कैसे मार्केट पहले नीचे गया फिर ऊपर चला जाएगा फिर बाद में नीचे आएगा। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि मार्केट ने अपने वोलेटिलिटी ब्रीच कर दी है। अब आपकी ये वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी के बाद देखिए आप फिर 11:20 के आसपास देखिए कि प्राइस की जितनी आपकी ऑलमोस्ट 70% वोलेटिलिटी है, तो नीचे भी ये गिरेगा ना, तो 30-40% ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, मतलब नीचे की जगह। अब आप ये देखो कि नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सप्लाई कहाँ है डिमांड का। समझ में? मैं तो यहाँ पे वोलेटिलिटी समझा रहा हूँ, सप्लाई डिमांड जो आपका मार्केट सेक्शन की जो है डायरेक्शन जो है वो तो आपको मैं सिखाया है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी ट्रेड मैनेजमेंट वाली, तो उसमें व्यू बनाने वाला सिखाया ना, ये बात समझ में आ रही है मेरी कि ट्रेड तो हमें डिमांड एंड सप्लाई मार्केट स्ट्रक्चर हमारे एंट्री बेसिस पे लेना, हमारी एजुकेशन के बेसिस पे लेना। ये समझ में आई बात? ये एजुकेशन है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये पूरी लाइफ भर काम आएगी। ट्रेड लेने वाले डिफरेंट बात होगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद ये पता चले कि मार्केट में अभी कुछ आएगा या नहीं आएगा, या मार्केट साइडवेज रहने वाला है,
या ट्रेंडिंग रहने वाला है या फिर न्यूट्रल रहने वाला है, ये डिसाइड करने वाला है। तो मॉर्निंग सेशन में अब अगर वोलेटिलिटी अबव 50% है, क्या है मॉर्निंग सेशन में अगर वोलेटिलिटी अबव 50% है तो मार्केट में एक मान लीजिए आपका एक नीचे गिरा तो एक ऊपर चला जाएगा, एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है, इतना क्लियर है ना सभी को? और नीचे जाएगा तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा वहां से, क्योंकि पहले ही रेंज निकल चुकी है ना। अगर जिसकी जो रनिंग कर रहा है और रनिंग करने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो, उसके बाद कहां करेगा? तो आपको प्राइस को हमेशा कैच करना है बॉटम से टॉप से अकॉर्डिंग टू वोलेटिलिटी प्रीवियस डे के कंपैरिजन में एंड मॉर्निंग सेशन के। कहने का मतलब अगर आपने मॉर्निंग सेशन चूक गए, ठीक है, तो लंच सेशन में आप ट्रेड करो तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग सेशन में कितनी वोलेटिलिटी ब्रीच हो चुकी है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, कितना मूव आ चुका है। उसके बाद ये चीजें 90-95% काम करती है, 5% ही ऐसा होता है कि वन वे मार्केट निकल जाता है, वो अलग डेज होते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे, बट मैक्सिमम टाइम मार्केट ऐसे ही मूव करता है। अब आते हैं किसमें, लंच सेशन में। अब लंच सेशन की जो वोलेटिलिटी है, अब लंच सेशन की वोलेटिलिटी हम कहां से देखेंगे? प्रीवियस डे के कंपैरिजन में देखेंगे। लंच सेशन की वोलेटिलिटी प्रीवियस सेशन मींस मॉर्निंग सेशन के कंपैरिजन में अगर बिलो 30-40 है, मींस 30-40 है, तो आपको इवनिंग सेशन में एक अच्छा ट्रेंडिंग वेव देखने को मिलेगी। समझ में आया? क्या देखने को मिलेगी? अगर अगर मॉर्निंग सेशन के कंपैरिजन में लंच सेशन की वोलेटिलिटी अधिक है, मींस ज्यादा है, अब वो 70%, यहां पे तो 110% होगी, 110-120 होगी। समझ में आ रहा है? तो इवनिंग सेशन में अगेन आपको एक वोलेटाइल टू न्यूट्रल सेशन देखने को मिलेगा, डायरेक्शनल नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? ये बात सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. ये मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन, इवनिंग सेशन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कहने का मतलब अगर प्राइस के मूवमेंट की रेंज इतनी है, अब मॉर्निंग में 70-80% आ गया, तो उसके बाद एक वोलेटाइल सेशन को मिलेगा, वो अंदर ही घुसेगा ना कि बाहर जाएगा। इतना समझ में आएगा? अगर मॉर्निंग के अंदर रेंज नहीं, मॉर्निंग के अंदर वोलेटिलिटी नहीं आई, तो पक्का लंच सेशन 11-11:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट करेगा आप। और एक चीज और बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, सपोज करते हैं मॉर्निंग सेशन में आपकी इतनी वोलेटिलिटी आई है, क्या ये इतनी वोलेटिलिटी है मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, और उसके कंपेरिजन में लंच सेशन में आपकी वोलेटिलिटी बिलो 50% से नीचे रह जाती है, मॉर्निंग सेशन में इतनी आई, ठीक है, तो 50% के आसपास रह जाती है, तो यहां से प्राइस, जब भी प्राइस एक्शन होगा, मैं ये नहीं कह रहा ऊपर नीचे जाने के लिए, मैं वोलेटिलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट बड़ा ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन होगा तो बड़ा नीचे जाएगा, रुकेगा नहीं, मूव आएगा। जैसे मॉर्निंग सेशन आप यहां से देखिए, मॉर्निंग सेशन देखिए, इसमें ये कहां तक था, यहां तक था, 15 मिनट का चार्ट है, मॉर्निंग सेशन कहां पे खत्म हुआ, यहां पे, तो इसकी वोलेटिलिटी कितनी थी, ये देखिए थी ना 23 सितंबर को। अब लंच सेशन देखोगे आपकी वोलेटिलिटी यहां तक आ गई, तो ऑलमोस्ट 80% क्रॉस कर गई, तो इवनिंग सेशन में आपके लिए ट्रेड के लिए कुछ नहीं है, मिलेगा नहीं कुछ भी। समझ में आया? बैठे मत रहना। ये चीज सेम फॉरेक्स पे अप्लाई कर सकते हो, सेम इक्विटी पे, सेम कमोडिटी पे, प्राइस को तीन पार्ट में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करने, और ये सब चीजें अंडरस्टैंड वाली है, ये कोई घुट्टी नहीं पिला सकता, जैसे कभी, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट की जो एजुकेशन है वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पूरी दुनिया स्ट्रेटेजी बना के या इंडिकेटर बना के बेच रही है, वो सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें, इन सब चीजों से कुछ होना नहीं, आपको खुद चार्ट पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्राइस बिहेवियर को समझना पड़ेगा, देन सब चीजें समझ में आई। ये सब चीजें ओवरनाइट थोड़ी मुझे समझ में आई है, मैंने 18-19 साल दिए हैं, तभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, कि आपका प्रीवियस डे के अंदर जो वोलेटिलिटी है उसके कंपैरिजन में मॉर्निंग में कितना मूव किया, अगर उसके कंपैरिजन में मॉर्निंग में मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, तो बिल्कुल लंच एंड इवनिंग में वोलेटिलिटी बची हुई है, आएगा मूव। अगर मॉर्निंग के अंदर सब कुछ गंवा दिया उसने, तो लंच इवनिंग में तो भूल जाओ, फिर वोलेटाइल ही रहेगा, फिर आप ऊपर नीचे के लिए ट्रेड करना, एज ए साइडवेज के लिए ट्रेड करना। हाँ, आपकी मॉर्निंग में अच्छी वोलेटिलिटी आ गई, एंड लंच के अंदर बिल्कुल भी वोलेटिलिटी नहीं है, 10-20% है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बड़ा होगा, एंड लंच के अंदर आपकी वोलेटिलिटी फिर अच्छी आ गई, फिर कुछ नहीं, इसके मिडिल तक जाएगा, फिर यहां तक टॉप तक जाएगा, खत्म हो जाएगा दिन, ऐसे जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा ना, यहाँ फिर खत्म हो जाएगा, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, एंड अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, कैसी कैंडल क्लोज होगी, एक अगेन डेली कैंडल कैसी होगी, ऐसी, समझ में? अगर यहां पे मार्केट और नीचे आता है इस जोन तक, तो एक रेड कैंडल में स्टॉप से सेलिंग आ रही है। समझ में? कल मैंने बोला था कि ऊपर आते ही मार्केट गैप डाउन खुले तो सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट डेली के जोन से उठेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, कल वाले वीडियो में बोला था।
तो आपको वोलेटिलिटी को अगर आप जब भी अंडरस्टैंड करेंगे, वोलेटिलिटी को जब भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, आपको इंट्राडे में ये रहेगा कि भाई जो 11:15 से लेकर 1:30 बजे के बीच में मार्केट साइडवेज रहता है, तो आपको पता रहेगा वो साइडवेज रहने वाला है या फिर ब्रेकआउट करने वाला है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में पता लग जाएगा ना, एंड वो साइडवेज रहेगा, बिल्कुल ही मूव नहीं है, नैरो रेंज है, तो इवनिंग में ब्लास्ट होगा, फिर आप बैठे रहना। समझ में कि कब आपको वेट करना है कब नहीं करना, ये मेरा मोटिव था कि डे ट्रेडिंग की वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करना। एक इंप्लाइड वोलेटिलिटी वो अलग होती है, इसके ऊपर बहुत सारी हम स्टडी कर सकते हैं, बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत टाइम चाहिए इन सब चीजों के लिए, तो ये सब चीजें एक रिकैप करूंगी डे ट्रेडिंग को लेकर के, तो मैक्सिमम लोग डे ट्रेडिंग करते हैं इसलिए मैं समझाए। कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा सर, समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड इसके ऊपर मैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, पुराने सब लोगों को ये सब चीजें आती हैं, उनको किसी को, आप किसी से भी ये सब चीजें पूछ सकते हो, वो आपको मेरे बिहेव पे एक्सप्लेन कर देंगे लाइव के अंदर ही। एंड नए लोगों को ये चीजें उतनी समझ में नहीं आती है, तो उनको, उनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आपको फिर अगेन दोबारा जीरो से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डेप्थ में जा करके। ये मैंने रिकैप किया पुराने लोगों को एक तरीके से, ताकि वो भूले नहीं ये सब चीजें।